मलक साहब ये लो आपका सामान। और मर जाने आ, इतनी देर लगा दी है, अब तो मैंने खाना भी खा लिया है। मलक साहब मैं क्या करता, आपकी बाइक पंचर हो गई थी। ठीक है जा, ये सामान भी मंगवा लिया है और खाना भी खा लिया है, पेट तो फुल है, अब इसका क्या करूं? ऐसा करता हूं इसको घर भिजवा देता हूं, शाम को खाऊंगा। ओ गामू काका। जी साहब। किधर जा रहे हो? खेतों में काम करने जा रहा हूं। अच्छा ये मेरा सामान है, एहतियात से मेरे घर दे देना। वाओ साहब ये तो खाने पीने वाली चीजें लगती हैं। ये भूखा तो सारा कुछ खा जाएगा, इसको चक्कर देता हूँ। और नहीं ओए, खाने पीने का सामान नहीं है ये, इसके अंदर एक चिड़िया कैद है, चिड़िया। थोड़ा सा भी अगर तूने इसको खोला चिड़िया उड़ जाएगी। इसके अंदर क्या है साहब? इसके अंदर बहुत खतरनाक किस्म का जहर है, बहुत ही जानलेवा जहर, बस तू इसको एहतियात से मेरे घर पहुंचा दे। ठीक है साहब। आज आएगा मजा। दो घंटे बाद भूख लग रही है, ऐसा करता हूँ जाके वो लेज और कोक पीता हूँ। अच्छा पिंकी बाद में बात करता हूँ, भाई आ गया। भैया पानी ले आऊँ आपके लिए? ओ पानी छोड़ जा, मेरे लिए लेज और कोक ले आ। वो दे फिर पैसे, मैं अभी जाके ले आता हूँ। ओ पैसों के बच्चे, वो जो गामू काका दे गया ना लेज और कोक, वो ले आ। गामू काका तो इधर आया ही नहीं। हाँ मैंने देखा वो खेत की तरफ जा रहा था गामू। अच्छा हाँ किधर गया ये नामुराद गामू? ओए यहाँ बैठे। Oh, no! ये क्या किया? पहले तो ये जहर चेक कर लेता हूँ। मजेदार है। अब बारी चिड़िया की। क्या मजे की चिड़िया है। साहब हुआ यूं, जब मैं आ रहा था बहुत तेज हवा चल रही थी, तो पैकेट खुला उसमें से चिड़िया फुर हो गई। फिर मैंने ये सोचा कि साहब तो बहुत मारेंगे, फिर मैंने आपके डर से ये जहर वाली बोतल भी पी ली, तो अब मैं मरने का इंतजार कर रहा हूँ।